गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे पति गए हैं होम टाउन में और मैं और मेरे बेटा है यहाँ पे बेंगलुरु में अकेले। तो हम लोग क्या क्या करते हैं उनके बिना, क्या क्या करते हैं, सब कुछ इस ब्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सुबह से मेरा ड्यूटी स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अवनीश अभी उठा है, सुबह का 8 बज चुका है और अभी उठा है अवनीश, तो मैं इसको ब्रश करवा रही हूँ। उसके पापा अगर रहते तो उसको ही ब्रश करवा के देते, उसको तैयार करके देते और मैं किचन संभालती थी, लेकिन अभी इसके पापा नहीं है तो मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। तो इसको मैं ब्रश करवा लिया है, अभी मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ और टिफ़िन में दे रही हूँ मैं एप्पल और एक बिस्किट दे रही हूँ उसको, जो पसंद है इसलिए दे रही हूँ। तो आज मैं अवनीश को नहा के नहीं भेज रही हूँ स्कूल, क्योंकि उसको थोड़ा खांसी है, इसलिए मैंने थोड़ा हाथ मुख धुला के तैयार कर रही हूँ। तो मैं आज उसको स्वेटर लगा के दे रही हूँ, क्योंकि ठंड ना लग जाए और खांसी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने स्वेटर लगा के भेज रही हूँ आज। तो गाइस, ये जो आप लोग काम देख रहे हो ना, ये उसके पापा ही करके देते हैं। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी ये होम टाउन गए हैं तो सारा ड्यूटी मेरे ऊपर पड़ा है, तो मैं कर रही हूँ उसको तैयार। और अभी भी मुझे खाना खिलाना है उसको, तो चावल बिठाया है अभी। तो 9 बजे के अंदर मैंने उसको तैयार कर लिया है, अभी बस खाना खिलाना बाकी है। तो 9:30 बजे के अंदर मुझे स्कूल पहुंचना है, 9:30 बजे उसका स्कूल स्टार्ट हो जाता है, तो उससे पहले मुझे जाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। तो सबसे ज़्यादा टाइम मुझे इसको खिलाने में लगता है, क्योंकि ये खाते टाइम बहुत ज़्यादा नाटक करता है, बहुत शैतानी करता है। खाते टाइम इतना धीरे धीरे खाता है कि स्कूल का टाइम चला जाता है। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं अभी स्कूल के लिए। अभी 9:20 बज चुका है, 9:30 बजे के अंदर मुझे स्कूल पहुंचना है। इसके पापा रहते तो स्कूटी से जल्दी जल्दी पहुंचा देते, लेकिन अभी पैदल जाना पड़ेगा। तो स्कूल आ गए हैं और अवनीश को मैंने स्कूल भी भेज दिया है और मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। सुबह इतना भाग दौड़ में ब्रेकफास्ट करना मैं भूल जाती हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। तो सोच रही हूँ कि आज मैं उडुपी में ब्रेकफास्ट करूँगी। तो ये मैंने एक बन ऑर्डर किया था, लेकिन ये डोसा निकला। मुझे लगा बन जैसा होगा, लेकिन ऑर्डर किया फिर उसके बाद मिला तो ये डोसा जैसा मिला था, तो टेस्ट भी अच्छा था। तो मेरा ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा गया और साथ में चाय तो पीनी है, चाय के बिना तो सुबह का शुरुआत भी अच्छा नहीं होता है। और आप लोगों को तो बताया था मैंने कि उडुपी का ये चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी है, इसलिए मैं सुबह का चाय पीने यहाँ पर आ गई हूँ। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरा काम शुरू होता है घर पे आके। तो ये सिलेंडर आया था, तो सिलेंडर मैंने जगह पे रखी और यहाँ पे झाड़ू पोछा सब लगाऊंगी अभी, क्योंकि अवनीश आने से पहले मेरा सब काम कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो ये आने के बाद कुछ भी काम नहीं हो पाता है। तो इसको लाने से पहले मैं सब कुछ काम निपटा देती हूँ, खाना भी पकाना कम्प्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि अवनीश को बहुत ज़्यादा भूख लग जाता है आने के बाद। गाइस, ये सब काम करते करते कब देर बज जाता है पता ही नहीं चलता। तो मैं नहा धो के आ गई हूँ अभी अवनीश को स्कूल से लेने। तो 9:00 बज चुका है, 9:00 बजे अवनीश का स्कूल छुट्टी हो जाता है। तो अभी मैं आई हूँ स्कूल उसको लेने और साथ में है छतरी, क्योंकि आज मौसम भी बहुत ही डेंजरस है, बारिश होने वाला है। तो ये देखिए अवनीश अभी निकलेगा, ये मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पापा, घर पे आने के बाद पापा को ढूंढ रहा था, फिर मोबाइल में बोला कि पापा वेयर आर यू, मतलब उसको लगा था कि वीडियो कॉल में है पापा, तो इसलिए पूछ रहा है। और अभी चॉकलेट खा रहा है मेरा बेटू। तो आज मैंने सोयाबीन की सब्जी बनाई है और दाल भी पकाई है। दाल मैंने बॉईल करके चली गई थी, क्योंकि अवनीश का स्कूल से लाने का टाइम हो गया था, इसलिए सिर्फ बॉईल करके चली गई थी। अभी मैं इसको तड़का लगाऊंगी। तो इसके स्कूल से आने के बाद और एक ड्यूटी शुरू हो जाता है, उसका हाथ पैर धुलाओ, फिर कपड़ा चेंज करो, फिर इसको खिलाओ, इसमें ही टाइम चला जाता है। और फिर 3:00 बजे इसका सोने का टाइम होता है, 2 घंटे सोता है। तो खाना इसका कंप्लीट है, अभी मैं 10 मिनट के लिए इसको खेलने दूंगी, फिर उसके बाद सोना भी है। और आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसलिए मैं इसको ब्लैंकेट दे रही हूँ सोने के लिए। और गाइस, सिर्फ आज ठंड नहीं है, 3 दिन से ठंड पड़ रहा है, क्योंकि 3 दिन से लगातार बारिश हो रहा है, इसलिए ठंड भी लग रहा है। तो मैं उसको सोने के टाइम थोड़ा ब्लैंकेट दे देती हूँ, ताकि आराम से सो पाए। और ये अभी 3 बजे सोया है और उठेगा 5:30 बजे, ऐसे टाइम पर उठता है। और मेरा अभी खाने का टाइम हो जाता है, दोपहर को खाने के टाइम मुझे टीवी चाहिए होता है, तो टीवी देख देख के मैं खाना खाती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सोऊंगी। तो गाइस, सुबह से इतना भाग दौड़ करने के बाद अभी थोड़ा रेस्ट करने का टाइम आया है, तो मैं अभी रेस्ट कर रही हूँ। और आप लोग बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट और शेयर करना। बाय बाय गाइस।